दिल्ली की बैठक में शामिल होकर रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा समाप्त होने के बाद 2024 चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद के बयान पर किरण देव सिंह ने कहा कि वे हमेशा ऐसी बातें कहते हैं, पिछले कुछ समय से टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह ही भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कर हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत 4,842 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिले हैं, इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं। सब चीजों पर मंथन तय कर लेंगे संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेतागण और निश्चित रूप से ये सूची आप लोगों से नहीं, अब वो तो यही की चर्चा है, जैसे भी होगा आप लोग के सामने आएगा। यही तो हम कह रहे हैं शुरू से, इन लोग की तो विचार ही यही है, इन लोग इसी तरीके की तो बातें करते हैं और पूरे आप पिछले कई समय से आप देख लीजिए कि हमेशा देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग अलग अलग परिस्थितियों में देश को किस तरीके से अपने बयानों से अपने खुद की विचार को इन लोग प्रकट करते हैं, इसमें कौन सा नया है, इन लोग शुरू से तो ये करते ही है। हाँ, डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों को शुभकामनाएं बहुत बहुत, मतलब बिना भय के परीक्षा दें, अच्छी सफलता हासिल करें।